इस क्वेश्चन में हमको y क्या है ये पता करना है। तो देखो इसमें ना, दिस इज एनिलीन। एनिलीन को जब NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट किया जाता है, टेम्परेचर रखना, ठंडा रखना उसको, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडा रखना, तो क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। ये रिएक्शंस ना अमाइंस चैप्टर में आएगी, उसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। आपको अभी के लिए मैं बता देता हूं, अगर आप RNH2 ग्रुप ले लोगे ना, RNH2 ग्रुप, इसको आप HNO2 के साथ ट्रीट करो। HNO2 एक अनस्टेबल एसिड होता है, मतलब आप उसको बोतल में बंद करके बेच नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो जब भी आपको HNO2 के साथ रिएक्शन करवानी होती है तो उसको मौके पे ही बनाया जाता है लेबोरेटरी में। वो कैसे बनाते हैं? NaNO2 और HCl, मतलब NaNO2 को किसी एसिड के साथ ट्रीट करके, तो वहाँ HNO2 बन जाता है। रिएक्शन यहाँ पे HNO2 ही करता है। जहाँ पे भी HNO2 आ गया और RNH2 ग्रुप आ गया, तो उसको RN2+ में कन्वर्ट कर देगा। ओके, RN2+ में। इस अब इसको बोलते हैं डाइएजोनियम कंपाउंड, डायजोनियम कंपाउंड है ये। डायजोनियम क्या है? इसको बोलते हैं एजो। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एजो ग्रुप। एन डबल बॉन्ड एन, उसके दोनों तरफ आर लगा हो, उसको एजो ग्रुप कहते हैं। डाई एजो मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज डाई एजो ग्रुप। अब डाई एजो ग्रुप में क्या होता है ना, अगर तो आर एल्काइल है, अगर आर एल्काइल है तो ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत से आर पॉजिटिव बन जाएगा, एन टू उड़ जाएगी, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा, आर पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन जाएगा, और अगर पानी पड़ा हुआ है तो फिर ये अल्कोहल बना लेगा, आर पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेगा। पर अगर जो आर है वो एराइल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे दिस इज एराइल ग्रुप, तो क्या होगा? ये ठंडा अगर रखोगे, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर रखोगे तो ये स्टेबल होता है। इफ आर इज एराइल, इफ आर इज एल्काइल, देन दिस इज अनस्टेबल, दिस ब्रेक्स इनटू आर पॉजिटिव एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अल्कोहल, ठीक है? बट इफ आर इज एराइल ग्रुप देन इट इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। नेक्स्ट, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इनको अगर आप क्यूप्रस हैलाइड्स के साथ ट्रीट करो ना, Cu2Cl2 या Cu2Br2 या Cu2CN2, ये कैटलिस्ट्स हैं, कॉपर के कैटलिस्ट्स हैं ये, क्यूप्रस साइनाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये क्या बन जाता है? ये यहाँ से N2 हट जाता है तो और लग जाता है Cl। जैसे अगर मैंने Cu2Cl2 के साथ ट्रीट किया तो ये बन जाएगा Cl, Cu2Br2 के साथ ट्रीट किया तो बन जाएगा Br, Cu2CN के साथ ट्रीट किया तो क्या बन जाएगा? Cn। These three reactions are called Sandmeyer reactions. तो Sandmeyer reaction की definition as per NCERT क्या है? ये देखो लिखी हुई है यहाँ पर। The chloride, bromide and cyanide nucleophiles can be easily introduced in the benzene ring in presence of copper one ion. ये copper one ही है ना, Cu2Cl2, Cu2Br2, CuCn। ये copper one ion ही है, ये catalyst की तरह काम करता है। इस reaction को क्या कहते हैं? Sandmeyer रिएक्शन। यहां पे एराइल बेंजीन के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, क्लियर? सो यहां पे आंसर क्या आएगा फिर? वन, क्लियर है? फर्स्ट इज द आंसर, सैंडमेयर रिएक्शन।